उस पर मैं आपके साथ रिजवान खान, मैं जामिया मिलिया इस्लामिया के कैंपस से लाइव कर रहा हूं और हमारे साथ सिराजुद्दीन कुरैशी साहब हैं जो आईसीसी के इलेक्शंस में इलेक्शन लड़ रहे हैं और प्रेसिडेंट का इन्होंने आज बड़ा कमाल कर दिया। लोग खड़े होकर लगातार ताली बजा रहे थे। सर, आपने एक अनाउंसमेंट ऐसा कर दिया रात में जो पूरा का पूरा इलेक्शन उस पर असर कर गया, आपका जो अनाउंसमेंट अलीगढ़ का, मगर लगातार एक मिनट तक लोग खड़े होकर ताली बजाते रहे आपको लेकर, तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट आप लेकर आए हैं उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को ज़रूर बताइए अलीगढ़। देखिए, मैं एक तो लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे लिए तालियाँ बजाई, और मेरा असल मकसद ये नहीं था कि मैं किसी चीज़ का ऐलान कर दूँ और फिर उस पर अमल ना किया जाए। मैंने इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की एक्सपेंशन का जिक्र किया कि जैसे उसके अंदर हमने तौसी करनी है, अभी तो हमारा अगला दो ढाई साल का प्रोजेक्ट है, वो 20-25 करोड़ रुपया उस पर खर्च करेंगे हम लोग। इसके साथ साथ मेरे दिल में हमेशा ये दिमाग में रहा कि मैं सर सैद के लिए भी कुछ करूं। तो सर सैद के लिए मैं हमेशा लोगों से कहता है अलीगढ़ के फंक्शंस के अंदर, जब भी मैं जाता था एनुअल फंक्शन में उनके नेशनल उनके सर सैद डे पे, तो मैं कहता था उनके लिए कुछ ऐसा तामीरी काम किया जाए, कोई उनके नाम में इमारत की जाए, उनके लिए मरकज़ बनाया जाए, उनके लिए मेमोरियल बनाया जाए। तो ये आज मैंने सोचा कि जब मैं एक्सपेंशन में जा रहा हूँ इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की, जहाँ मुझे किसी से दो पैसे लेने हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा मुझे तीन पैसे देने, दो पैसे इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में लगाऊंगा मैं और एक पैसा जो है वो सर सैद सेंटर पर लगाऊंगा। तो ये मेरी ख्वाहिश थी और इसके पीछे ये वजह थी कि मैं, सभी लोग कदर करते हैं सर सैद की, तो कोई मैं अकेला वाहिद शख्स नहीं हूँ, लेकिन मैं उनकी उस शख्सियत से बड़ा मुतासर हूँ कि जब उन्होंने सर सैद ने एक उसकी बुनियाद डाली यूनिवर्सिटी की, उन्होंने किस तरीके से आज उसके उससे जो फ़ायदा उठा रहे हैं बच्चे, उस बुनियाद से, उस यूनिवर्सिटी से, उस कॉलेज से करोड़ों बच्चे फ़ायदा उठा चुके हैं, और करोड़ बच्चे जो हैं उनके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे जो हैं वो सब फ़ायदा उठा रहे हैं और वो उठाते रहेंगे। तो मेरे अंदर एक जज्बा था, मेरे अंदर एक लगन थी, मेरे अंदर एक ऐसी ख्वाहिश थी कि मैं सर सैद के लिए कुछ ऐसा काम करूं जो कम से कम मेरी रूह को सुकून मिले और मुझे ऐसा लगे कि मैंने कुछ काम किया है। जिस शख्स ने इतना बड़ा काम कर दिया, मैं तो उसके मुकाबले में बहुत ही अदना सी हैसियत रखता हूं, लेकिन हो सकता है कि साहब मैं कुछ कर पाऊँ, इसलिए मुझे खुशी है इस बात का ऐलान करते हुए और मुझे उम्मीद है कि हम इस प्रोजेक्ट को भी इसके साथ साथ इंशाल्लाह पूरा करेंगे। दूसरा सवाल है सिराज साहब, आपने बड़े अच्छे लोगों का जीत लिया जिस तरह से लोग खड़े कि आपको वेलकम कर रहे थे। मेरा दूसरा सवाल है कि आने वाले 5 साल, क्योंकि 15 साल आपको हो गए, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन को लेकर कुछ लोग हमसे बाहर में बात कर रहे थे कि बिल्डिंग की बात हो रही है, सिराज साहब से आप जरूर कहिएगा कि एजुकेशन पर थोड़ा सा परिवर्तन लाए, तो अगर कोई ना हो 5 साल के आपके दिमाग में माइंड में, आने वाले 5 साल में गरीब बच्चे बहुत हैं हमारे देश में, एजुकेशन में लेकर कुछ, उसके ऊपर तो काम चल रहा है। मैंने ऐसे बताया कि हमारे यहाँ बच्चे जो हैं पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर, हम लोग इंग्लिश टीचिंग के लिए और बहुत सारे वहाँ पे कोर्सेज़ होते हैं जो हमारे यूपीएससी के कोर्सेज़ होते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के कोर्सेज़ होते हैं, वो हम करा रहे हैं, पहले से करा रहे हैं। लेकिन अब इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की एक्सपेंशन हो जाएगी, एक्सपेंशन से पहले ही हम लोगों को इस बार जो है अच्छी आईएएस की कोचिंग करानी है। हम लोगों ने बच्चे 20 बच्चे पहले ही सिलेक्ट करके रखे हुए हैं, जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होता है तो उनकी कोचिंग शुरू कर देंगे। और ये 20 बच्चे जो हैं, मुझे उम्मीद है, क्योंकि हमने हमदर्द यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट की थी, जामिया हमदर्द वाले जो हैं वो हमको 20 बच्चे सिलेक्ट कर चुके हैं, वो हमको देंगे और वो बहुत अच्छे बच्चे उन्होंने एसएम खान जो है जो डायरेक्टर है खुद डायरेक्टर हाँ, हमने उनसे दरख्वास्त की थी तो उन्होंने यूनिवर्सिटी से 20 बच्चे हमारे लिए भी सिलेक्ट करा के हमको दे रहे हैं वो। और बहुत सारे तालीम के सिलसिले हमारे चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है, लेकिन हम लोग वहाँ पे कोचिंग क्लासेस और क्या नाम है कोचिंग क्लासेस के अलावा जो भी बच्चों की ट्रेनिंग के लिए मुमकिन हो सकता है वो हम करेंगे। काफ़ी बहुत हम लोगों ने बहुत काम किया है साहब, किसी को मालूम नहीं, लेकिन हम उसका ढंडोरा नहीं पीटते, हम उसका इश्तहार नहीं लगाते, हम लोग खामोशी से करते हैं। इसीलिए मेरे ख्याल से जो हमारे मुखालिफ इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको ये लगता है कि हमने कुछ किया नहीं, क्योंकि हमने उसकी शोहरत नहीं की। अगर हम उसकी शोहरत करते तो शायद उनको अंदाज़ा होता, लेकिन वो आके आप देखें हमारी 15 साल की हिस्ट्री उठा के देखें, हर साल जो भी हम जनरल वार्डनिंग मीटिंग करते हैं उसके अंदर हम पीछे हमने क्या किया, आज क्या कर रहे हैं और कल क्या करेंगे, पूरी रिपोर्ट उसके अंदर आ जाती है हमारे एजेंडे के अंदर। इतने सारे लोग आए, आपकी इतनी मोहब्बत थी, पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ था, आज बाहर से भी लोग देखे 12 बजने जा रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल होगा, क्या आपको कोई ऐसा रिग्रेट है यार कि 15 साल में हमने नहीं किया, कुछ आने वाले समय में और किया जा सकता है? देखिए, क्या है कि आदमी तो बहुत सारे ख्वाब देख सकता है, लेकिन ख्वाब को पूरा करना, उसके ऊपर अमल करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारी आपके सामने परेशानियाँ आ जाती हैं, बहुत सारे ऐसे मराहल आ जाते हैं। अब फ़र्ज़ कर लीजिएगा, कल खुदा ना करे अगर इलेक्शन हम हार जाते हैं तो इस प्रोजेक्ट को कोई पूरा करने वाला नहीं है। मैं इस बात को दावे से इसलिए कहता हूँ क्योंकि जब
आज 38 साल का सफ़र इंडिया इस्लामिक एसोसिएशन ने तय कर लिया। पिछले 15 साल से पहले नहीं बन पाया, 15 साल के बाद ये 15 साल पिछले 15 साल के अंदर आज अपनी अजमत को छू रहा है। वो इस रूज पे पहुंच गया है कि उसकी सब तारीफ़ करते हैं, वो उसकी अब ग्लोबल रिप्यूटेशन हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि इसको अगर अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी, आप सब लोगों की उसमें दुआएं शामिल थी, आप लोगों का सबका उसमें कोऑपरेशन शामिल था, हमारे मेंबरान ने उसके अंदर पूरा पूरा तआवुन दिया और हमारे उन बुज़ुर्गों ने जिन्होंने इसकी बुनियाद डाली, वो अगर नहीं होता तो आज मेरे ख्याल से इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर कहीं नहीं खड़ा होता। मैं तो सबका शुक्रगुजार हूँ, सब लोगों का, क्योंकि आज इस इलेक्शन की वजह से भी इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को बहुत ज़्यादा शोहरत मिल चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्लाज्मा।